सुपौल जिले के डोंगरगांव दसंगा के बीच पुल से गिरी यात्री बस में मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो लगभग 22 बताई जा रही है। इस हादसे में न केवल जिला बल्कि प्रदेश भर में हाहाकार मचा दिया है। आनंद फानंद में सड़क हादसे में घायलों का हाल जानने प्रभारी मंत्री कमल पटेल मंगलवार दोपहर 3:30 बजे जिला अस्पताल पहुँचे। जिला अस्पताल में उपचाररत मरीजों के हाल जानने के बाद चिकित्सकों को दिए समुचित उपचार के निर्देश। मंत्री पटेल ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि घटना हृदय विदारक है। नाराजगी जताते हुए उन्होंने आरटीओ अधिकारी बरखा गोड़ को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा, हादसे में चालक की लापरवाही के साथ आरटीओ भी जिम्मेदार है। बस में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। उन्होंने कहा, स्थानीय प्रशासन के साथ मुख्यमंत्री निरंतर संपर्क कर हादसे की जानकारी ले रहे हैं। मृतकों एवं घायलों के परिजनों को हर संभव मदद की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। हर साल घटना है, लेकिन इसमें जो मेरी अभी जितने भर्ती है पैर उनसे चर्चा हुई तो बहुत तेज गति से रफ्तार से थी। एक दूसरा, उसके अंदर 67 से ऊपर सवारी थी, जबकि 35 सीटर सवारी। इसलिए प्रथम दृष्टया ड्राइवर की लापरवाही, साथ में आरटीओ की लापरवाही, और इसलिए मैं तत्काल प्रभाव से आरटीओ को सस्पेंड करता हूँ और इसकी जांच के आदेश देकर, और जो भी थाने आते हैं उनकी भी देखना चाहिए कि ओवरलोड सवारी ना चले, क्योंकि एक दुर्घटना पहले हो चुकी है पिछले साल और मैंने निर्देश दिए थे, उसके बाद में भी पालन आरटीओ ने नहीं किया, और इसलिए तत्काल प्रभाव से आरटीओ को सस्पेंड किया जाता है और पूरी जांच करा के और भी जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आगे आइंदा इसी घटना ना घटे, इसके लिए प्रशासन को निर्देशित किया गया है। पुल को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो टेक्निकली रूप से गलत बना हुआ है, अब उसकी जांच होगी। जांच में अगर टेक्निकल रूप से गलत है तो जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और आगे से ऐसी घटना ना घटे इसके पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री सरकार, हमने आज कैबिनेट में गया चर्चा की, उन्होंने तत्काल, मैंने भी इच्छा जारी की कि मैं जा रहा हूँ, उन्होंने कहा गाड़ी से नहीं तुम हेलीकॉप्टर से जाओ, तत्काल पहुँचो, इलाज कराओ, और दोषियों के खिलाफ अगर कोई है तो कार्रवाई करो। सरकार पूरी तरह से सख्त है, और ऐसी घटनाएं है कि लापरवाही प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हुई है। सीधा सीधा आरटीओ को 70 सीट बंद बस में कैसे जा रही, 35 के उसमें क्या करते, क्यों नहीं देख रहे, और इसलिए जो जो दोषी होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए। रात की राशि भी, रात की राशि 4-4 लाख रुपए जो इसमें जिनका देवसान हुआ दुर्घटना में मृत्यु हुई उनके परिवार को सहायता देने के लिए की गई है। 50-50 गंभीर रूप से घायल है उनको किया गया, 10-10 हज़ार सामान्य रूप से घायल है, और उसके अलावा पूरा इलाज इनको पूरा तरह स्वस्थ करके एक रुपया भी इनके परिवार के नहीं लगेगा, सरकार उठाएगी। मंत्री जी, जब भी कोई दुर्घटना होती है बस की टाइमिंग मिलाने के लिए ओवर स्पीड होती है, हाँ वो भी जांच कमीशन रहेगा, देखना पड़ेगा, लेकिन जितने भी सवारी जो थी उसमें जो पेशेंट है उनसे मैंने पूछा, माता बहने सब बता रहे कि बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी थी, और इस पर रोक लगना चाहिए, और इसलिए उस पर भी विचार करेंगे कि अगर इनका टाइमिंग 5-5 मिनट का जो रहता है उसके ऊपर विचार करके किया जाएगा। और अभी हमें SP को भी निर्देश दे रहे हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों को, कि सब जगह चेक करें, उनकी गाड़ी की फिटनेस चेक करें, ड्राइवर की फिटनेस भी चेक करना चाहिए, और ओवरलोड सवारी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब भी कोई इस तरह की दुर्घटना होती है तो कुछ 15-20 दिन तक कार्रवाई होती है, उसके बाद पेंडिंग हो जाती है। नहीं नहीं, लेकिन इस बार हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, हमने तो कहा ना तत्काल आरटीओ को सस्पेंड किया, उसके साथ जितने अधिकारी उसमें नीचे कर्मचारी जो दोषी होंगे उनको के खिलाफ भी कार्रवाई। मंत्री जी, घायलों की स्थिति देखिए, किस तरह से घायल स्थिति की, कुछ को इंजर भी नहीं आया हुए, सबसे मेरी बात हुई, बेहोश कोई नहीं है यहाँ। और हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।